सर्दियों का मौसम आ चुका है, मटर भी मार्केट में बहुत अच्छे और सस्ते मिलने लगे हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर का दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। नॉर्मल दाल को छोड़ के अगर इस दाल को बनाएं विंटर्स में तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं आज हरे मटर का दाल। देखते हैं इसे मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इसके लिए लिया है हरा मटर, जिसे धोकर सुखा लिया है, दो प्याज बारीक कटा हुआ, दो टमाटर बारीक कटा हुआ, एक प्याज पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, तेज पत्ता, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग। अब मैंने मिक्सी जार में मटर ले लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया, हरा मिर्च, पानी डालकर अब हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये फाइन पेस्ट बन चुका है, चलिए अब इसका दाल बनाते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेज पत्ता, जीरा, हरा मिर्च, प्याज ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। नमक इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ प्याज अब हम डालेंगे और इसे भी हम भूनेंगे। टमाटर डालकर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हींग, इन सबको डालकर अच्छे से भूनना है हमें। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम हरा मटर डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया है। इन सबको डालकर मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। इसे हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मटर का कच्चापन खत्म हो जाए। ये काफी अच्छे से भून चुका है, अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जितना गाढ़ा आपको बनाना है उतना पानी ऐड कीजिए। अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पतला कर लीजिए, रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गर्मा गर्म हरे मटर की दाल बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और दिखने में अच्छा बना है। आप भी इसे अपने घर में बनाइए और इसके टेस्ट को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।